नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिसिशन ऑफ द इक्विनॉक्सेस एंड न्यूट्रिशन के बारे में। प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स स्टार्ट करने से पहले आपको जैरो की प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जैसे जैरो की प्रॉपर्टी होती है रिजिडिटी इन स्पेस एंड प्रिसिशन। तो रिजिडिटी इन स्पेस को अभी हटा दीजिए, प्रिसिशन की बात करते हैं। जैसे आपने जैरोस्कोप में पढ़ा होगा, प्रिसिशन जो जैरोस्कोप की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम टॉर्क जैरोस्कोप में अप्लाई करते हैं तो जैरोस्कोप जो है टॉर्क अप्लाइड के डायरेक्शन में ना जाके उसके 90 डिग्री अवे मूव कर जाता है। तो टॉर्क क्या होता है, वो भी एक टाइप का फोर्स है, बट ये एंगुलर मोशन में अगर कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसको टॉर्क बोलते हैं। इसमें जायरोस्कोप की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि जायरोस्कोप क्या होता है, एक हैवी वेल बैलेंस्ड व्हील होता है जो रोटेट करता है फास्ट रेट पे और फ्रिक्शनलेस बेयरिंग पे रहता है। उसके 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशन होती है, मींस अपने स्पिन एक्सिस पे भी रोटेट करता है और मूव भी कर सकता है अपने स्पिन एक्सिस के इन अजीमथ डायरेक्शन में और अल्टीट्यूड के डायरेक्शन में भी वो उसका स्पिन एक्सिस मूव करता है। उसको 3 डिग्रीज ऑफ फ्री रोटेशन होती है जायरोस्कोप की। तो अर्थ की बात करें तो अर्थ भी सारे कंडीशन सेटिस्फाई करती है जायरोस्कोप वाली, वो भी अर्थ भी काफ़ी हैवी है, वेल बैलेंस्ड है, रोटेट करती है फास्ट रेट पे और उसका जो रोटेशन में उसका कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई रुकावट उसको मिलती नहीं, वो अपने आराम से फ्रीली रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे। तो उसका भी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशन है इसका अर्थ का। तो पूरे जायरोस्कोप का ये अपना उस जायरोस्कोप की प्रॉपर्टी फॉलो करती है अर्थ। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि अर्थ ट्रू स्फीयर नहीं है, मींस प्रॉपर गोल नहीं है, जैसे मैंने आपको फिगर में दिखाना चाहा है, इतना अच्छा फिगर तो बना नहीं है, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इक्वेटोरियल जो डायमीटर इसका ज़्यादा होता है पोलर डायमीटर के मुकाबले। तो इट इज़ फ्लैटेंड एट दी पोल्स है, पोल्स पे ये थोड़ा दबा हुआ है अर्थ, और इक्वेटर पे थोड़ा सा बल्जिंग है, मींस थोड़ा सा ज़्यादा फूला हुआ है। तो प्रॉपर ये स्फीयर नहीं है अर्थ, इसका शेप थोड़ा स्फेरॉइड टाइप का है। अब क्योंकि अर्थ बल्ज है इक्वेटर की तरफ से ज़्यादा, इसका बॉडीड मास जो है इक्वेटर पे है, तो जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो अदर बॉडी से लग रहे हैं, मान लीजिए सन, यहाँ मैं बना देता हूँ सन, अगर ग्रेविटेशनल जो फोर्स अपना एक्ट करेगा उसका सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे एक्ट करेगा, क्योंकि ज़्यादा मास यहाँ पे है एक्ट कर रहा है अर्थ का पोल के मुकाबले। तो जहाँ पे ज़्यादा मास है उधर ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्शन जो लगा रहा है सन या फिर कोई भी हेवनली बॉडी अर्थ पे, वो कहाँ सबसे ज़्यादा है, इक्वेटोरियल जोन पे सबसे ज़्यादा है अर्थ के है। अब हम लोग आ जाते हैं सेलेस्टियल स्फीयर में आ जाते हैं। जैसे कि अर्थ इक्वेटर जो होता है वो ब्रेन ऑफ द इक्विनॉक्शियल होता है, मींस जो अर्थ का इक्वेटर है वो सेलेस्टियल स्फीयर में इक्विनॉक्शियल होता है। और आपको जैसे पता है इक्लिप्टिक जो है वो इक्विनॉक्शियल से 23.5 डिग्रीज इंक्लाइंड रहता है, मींस ये जो एंगल रहता है ये 23.5 डिग्रीज का है, ये नॉर्थ है तो ये साउथ, जैसे आप लोग जानते होंगे। तो अब इक्विनॉक्शियल का जो पोल है, जैसे मान लीजिए नॉर्थ पोल मैंने बनाया है, नॉर्थ सेलेस्टियल पोल, वो इक्लिप्टिक पोल मींस ईपी जो मैंने नाम दिया है उससे भी मींस 23.5 डिग्रीज अवे होगा। जैसे कि जब ये एंगल 23.5 है तो ये एंगल भी 23.5 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि सन इक्लिप्टिक पे रिवॉल्व करता रहता है, अज्यूम्ड टू बी रिवॉल्विंग अराउंड द इक्लिप्टिक माना जाता है। तो अगर सन यहाँ पे इक्लिप्टिक पे है तो सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ पे वो कहाँ सबसे ज़्यादा होगा, इसके इक्वेटोरियल जोन पे सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि बल्जिंग होता है इक्वेटर पे, तो उसका बॉडी मास सबसे ज़्यादा अर्थ का यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स सन लगा रहा है उसके इक्वेटर के पास में। अब आप यही मान लीजिए ये अर्थ का इक्वेटर है, क्योंकि अब इक्विनॉक्शियल मीन्स वही होता है सेलेस्टियल स्फीयर में, उसको इक्विनॉक्शियल नाम दे देते हैं। तो अब सबसे ज़्यादा इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वेटर पे लग रहा है, तो क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। जैसे अब मालूम है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है सभी हेवनली बॉडी के बीच में, तो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो अपनी तरफ खींचने के चक्कर में वो क्या कर रहा है, इसके जो इक्वेटर इक्विनॉक्शियल के मैं नाम बोलता हूँ, इक्विनॉक्शियल को ये इक्लिप्टिक में जोड़ने की कोशिश करता है। जैसे अभी 23.5 डिग्रीज अवे है ना, तो ये क्या कर रहा है, इक्विनॉक्शियल को इक्लिप्टिक में चिपकाने की कोशिश कर रहा है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के चक्कर में, ठीक है फ्रेंड्स। अब सपोज कर लीजिए ब्लैक पेन मेरा इक्विनॉक्शियल है, ब्लू पेन मेरा जो इक्लिप्टिक है, तो ये देखिए इंक्लाइंड है, आपको ठीक से दिख पा रहा होगा, ऐसे इंक्लाइंड है दोनों आपस में। सपोज कर लीजिए मैंने बना रखा है 23.5 डिग्री, दोनों आपस में इंक्लाइंड है।
तो जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन सन लगा रहा है वो क्या कर रहा है, इक्विनोक्शियल को अपने में चिपकाने की कोशिश कर रहा है इक्लिप्टिक में। तो कैसे होंगे चिपकेंगे, ऐसे आपस में ऐसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है अपने ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के चक्कर में। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको दिखाया कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के चक्कर में इक्विनोक्शियल को खींच रहा है इक्लिप्टिक के प्लेन में जुड़ने के लिए। तो जब ये दोनों आपस में चिपकने के लिए खींच रहा है तो मीन्स ये भी होगा कि जो नॉर्थ सेलेस्टियल पोल है इक्विनोक्शियल का वो भी इसमें जुड़ने के लिए जाएगा। जब ये पूरे प्लेन जुड़ जा रहे हैं तो पोल भी आपस में जुड़ जाएंगे। बट अब ये जो है जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रहा है ये एक टॉर्क का काम कर रहा है, दिस इज़ इक्विवेलेंट टू ए टॉर्क, जो कि ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। अब टॉर्क में क्या होता है, जायरोस्कोप में टॉर्क जहाँ अप्लाई होता है उसे 90 डिग्री अवे भाग जाता है, तो ये इसमें जुड़ने के बजाय इसके 90 डिग्री अवे भाग जाता है। ये टॉर्क जो लग रहा है अर्थ के स्पिन एक्सिस पे, अर्थ ये इसका स्पिन एक्सिस मान लीजिए नॉर्थ सेलेस्टियल पोल वाला है, इसका स्पिन एक्सिस जो है इस पर टॉर्क अप्लाई हो रहा है जो कि इसको क्या कर रहा है, आपस में अलाइन करने की कोशिश कर रहा है, जो अर्थ का पोल है और इक्लिप्टिक पोल को आपस में अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स आप ऐसे फिगर में देखिए, जैसे कि ये अर्थ का नॉर्थ सेलेस्टियल पोल है, ये इधर आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, नॉर्थ सेलेस्टियल पोल भाग रहा है इक्लिप्टिक पोल की तरफ, बट ड्यू टू जायरोस्कोपिक प्रेसेशन ये इधर ना जाके अब इसका टॉर्क जो लग रहा है इसके 90 डिग्री अवे भाग जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अब इधर लग रहा था टॉर्क लग रहा था तो 90 डिग्री अवे किधर होगा, इधर होगा इस साइड में, तो अभी इधर भाग जाएगा, फिर जब इधर फिर खींचने की कोशिश करेगा फिर ये इधर इधर भाग जाएगा। तो फ्रेंड्स ले देके क्या होता है कि ये धीरे धीरे एक सर्कुलर पाथ बना लेता है इक्लिप्टिक पोल के अराउंड। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको इस फिगर में बनाने की कोशिश किया हूँ कि इसको खींचने की कोशिश करें इधर तो उसका 90 डिग्री अवे इधर लग रहा है, फिर इधर जा रहा है, इधर खींचने की कोशिश कर रहा है बट फिर 90 डिग्री अवे भाग रहा है, फिर इधर खींचने की कोशिश कर रहा है फिर 90 डिग्री अवे भाग रहा है, फिर इधर खींचने की कोशिश कर रहा है फिर 90 डिग्री अवे भाग रहा है। इसे करते करते ये सर्कुलर एक पाथ बना लेता है इक्लिप्टिक पोल के अराउंड जो अपना अर्थ का एक्सिस है। फ्रेंड्स ये जो फिगर, ये जो स्मॉल सर्कल बन रहा है ये कितने का है, ये 23.5 डिग्रीज का है, क्योंकि 23.5 डिग्रीज का एंगल इनके बीच में था ही, जैसे कि मैंने आपको पहले फिगर में बता रखा है। तो जो स्मॉल सर्कल बन रहा है वो भी 23.5 डिग्रीज का ये बन रहा है अराउंड द पोल ऑफ द इक्लिप्टिक इन ए क्लॉक वाइज डायरेक्शन और वेस्टवर्ड डायरेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको समझाया था कि ये वेस्टवर्ड मूव कर रहा है इन ए क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो मीन्स इसका क्या हो जाएगा कि जो जहाँ पे ये जो पॉइंट्स होते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज और फर्स्ट पॉइंट ऑफ लीब्रा जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ये भी वेस्टवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अब आपका इक्विनोक्शियल भी मूव कर रहा है वेस्टवर्ड की तरफ, ऐसे ऐसे वेस्टवर्ड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है इक्लिप्टिक पोल के अराउंड, तो ये भी वेस्टवर्ड मूवमेंट इनका चालू हो जाएगा आपका जो इक्विनोक्शियल पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स ये जो वेस्टवर्ड मूवमेंट हो रहा है ये इतने स्लो है ना, बहुत स्लो वेस्टवर्ड मूवमेंट्स होते हैं, ये फास्ट नहीं है, ये 50.2 आर्क सेकंड हर साल जो है मूव करते हैं। तो जो इनका जो इक्विनोक्शियल पॉइंट्स हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज फर्स्ट पॉइंट लीब्रा, इन दो पॉइंट्स का जो वेस्टवर्ड मूवमेंट है इसी को बोलते हैं प्रिसिशन ऑफ द इक्विनॉक्स। ये हर साल 50.2 आर्क सेकंड्स मूव कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी जो वेस्टवर्ड मूवमेंट को बोलते हैं प्रिसिशन ऑफ द इक्विनॉक्स। तो फ्रेंड्स प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स से चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं, अब आपको जैसे पता है कि जो डायरेक्शन ऑफ अर्थ एक्सिस है वो लेस देन 1 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ पोलारिस है, मीन्स आपको पता है डेक्लिनेशन ऑफ द पोलारिस कितना है, डेक्लिनेशन ऑफ पोलारिस होता है 89 डिग्री 10 मिनट्स नॉर्थ के अराउंड है, मीन्स लेस देन 1 डिग्री है, अभी अर्थ का एक्सिस आपके पोलारिस के डायरेक्शन से लेस देन 1 डिग्री है। तो बट 13,000 साल बाद क्या होगा, जो अर्थ एक्सिस है वो प्रेसिस कहाँ कर जाएगा, टू ए डायरेक्शन अबाउट 47 डिग्री अवे फ्रॉम दी पोलारिस, 13,000 साल बाद जाके ये 47 डिग्री अवे हो जाएगा फ्रॉम पोलारिस, पोलारिस अवे हो जाएगा। तो फिर अब उस समय क्या होगा कि अब जो अर्थ एक्सिस है वो किसके डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, 5 डिग्री ऑफ वेगा के डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, जो अर्थ का एक्सिस है पॉइंटिंग डायरेक्शन विद इन 5 डिग्री ऑफ वेगा, तो फिर वेगा को हम लोग उस समय में पोल स्टार हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये फ्रेंड्स इसके चेंजेस होंगे।
और फ्रेंड्स इसके इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रिसिशन भी पूछता है, सर्वेयर एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रिसिशन। तो उसके तीन पॉइंट्स हैं, वो बुक में भी दिए हुए हैं, आप बुक में से रेफ़र कर सकते हैं तीन पॉइंट्स। फिर मैं एक बार फास्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज मूव कर रहा है वेस्टवर्ड की तरफ, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज वेस्टवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, तो किस रेट से मूव कर रहा है, 50.2 आर्क सेकंड्स हर साल मूव कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया 50.2 आर्क सेकंड्स हर साल मूव कर रहा है, तो आर ए राइट डिसीजन ऑफ फिक्स बॉडीज लाइक स्टार्स इंक्रीज बाई ए करस्पॉन्डिंग अमाउंट ईयरली। तो आर ए जो फिक्स बॉडीज हैं स्टार्स का वो भी बढ़ता जाएगा सर्टेन अमाउंट से हर साल। और इसका दूसरा आ जाता है एट द प्लेन ऑफ इक्विनोक्शियल चेंजेस ग्रेजुअली देर इज ए करस्पॉन्डिंग चेंज इन द डेक्लिनेशन ऑफ स्टार्स एज डेक्लिनेशन आर मेजर्ड नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्विनोक्शियल। तो जैसे प्लेन ऑफ इक्विनोक्शियल चेंज हो रहा है, ये वेस्टवर्ड मूव कर रहा है, तो इसका इक्विनोक्शियल का प्लेन चेंज हो रहा है, तो इससे क्या होगा, वो डेक्लिनेशन ऑफ स्टार भी चेंज होंगे, करस्पॉन्डिंग अमाउंट से चेंज होते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि डेक्लिनेशन आपको पता है कि इक्विनोक्शियल से ही मेजर होते हैं फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ फ्रॉम द इक्विनोक्शियल। और इसमें एक और इसका लास्ट पॉइंट है, ड्यू टू प्रिसिशन द ट्रॉपिकल ईयर इज अबाउट 20 मिनट शॉर्टर देन ए सिडरल ईयर। तो ये ट्रॉपिकल ईयर जो रहेगा 20 मिनट शॉर्टर हो जाएगा सिडरल ईयर से। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग न्यूटेशन की। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं जो ऑर्बिट ऑफ मून है वो इंक्लाइंड है 5 degrees 8 minutes टू द प्लेन ऑफ द इक्लिप्टिक। ये मून ऑर्बिट है, देखिए जो डॉटेड लाइन से हैं ये मून ऑर्बिट है, ये इक्लिप्टिक के 5 degrees 8 minutes इंक्लाइंड है और वेरीज करता है 5 degrees 18.5 minutes और टू 4 degrees 59.5 minutes के अराउंड ये मूव करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एकदम इक्लिप्टिक पे नहीं है, उससे 5 degrees 8 minutes थोड़ा सा इंक्लाइंड है। जैसे आपको पता होगा द पॉइंट एट विच द मून्स ऑर्बिट इंटरसेक्ट द इक्लिप्टिक आर कॉल्ड द मून्स नोड। तो जहाँ पे इक्लिप्टिक को ये मून्स ऑर्बिट कट कर रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं मून्स नोड बोलते हैं। और अगर ये फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ कट कर रहा है तो असेंडिंग नोड होता है, और नॉर्थ टू साउथ कट कर रहा है तो डिसेंडिंग नोड होता है। मीन्स जैसे कि साउथ टू नॉर्थ, ये साउथ से अगर नॉर्थ जाते समय कट कर रहा है तो उसको बोलते हैं असेंडिंग नोड, और वही अगर नॉर्थ से आते समय साउथ जाते समय कट कर रहा है तो उसको बोलते हैं डिसेंडिंग नोड बोल। तो फ्रेंड्स ये जो नोडल पॉइंट्स हैं ना, अभी जो असेंडिंग और डिसेंडिंग जो नोडल पॉइंट्स हैं, ये भी वेस्टवर्ड मूवमेंट इनका चल रहा है और ये 19 डिग्री पर ईयर मूव कर रहे हैं वेस्टवर्ड। ठीक है, और इनका फुल कंप्लीट साइकिल कितने साल में होगा, 18.6 ईयर्स में इनका पूरा कंप्लीट साइकिल हो जाता है वेस्टवर्ड मूवमेंट का। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर मान ली वेस्टवर्ड मूवमेंट होते समय जो मून्स ऑर्बिट के जो नोडल पॉइंट्स हैं, मीन्स असेंडिंग नोड और डिसेंडिंग नोड, अगर मान ली असेंडिंग नोड अगर कोइंसाइड कर जाए फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज से कोइंसाइड कर जाए, तो द इंक्लिनेशन ऑफ द मून्स ऑर्बिट विद रिस्पेक्ट टू द इक्विनोक्शियल कितना हो जाएगा, 23.5 डिग्री तो इक्लिप्टिक होता है और 5 degrees 8 minutes जैसे मैंने आपको बताया था ये मून ऑर्बिट होता है, तो इसका इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा इक्विनोक्शियल के रिस्पेक्ट में, 23.5 प्लस 5 degrees 8 minutes, तो 38 minutes इसका जो है इंक्लिनेशन हो जाएगा इक्विनोक्शियल के रिस्पेक्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया, ये जो वेस्टवर्ड मूवमेंट इनके मून्स नोड के हो रहे हैं इक्लिप्टिक अराउंड, तो ये कभी ना कभी तो जाके मैच तो करेंगे ही इसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज से या लिब्रा से। तो अगर मान लीजिए असेंडिंग नोड जो है, जो कि फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ जाता है, वो अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज से मैच कर जाता है, कोइंसाइड कर जाता है, तो उस समय इंक्लिनेशन जो मून्स ऑर्बिट रहेगा वो इक्विनोक्शियल के 23.5 minutes प्लस 5 degrees 8 minutes ऐड करने के बाद ये जो होगा, ये चीज़ इसकी बात कर रहा हूँ पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा हो जाता है 28 degrees 38 minutes का। ठीक है फ्रेंड, दोनों ऐड करने के बाद। बट इस फिगर में आप जैसे देख पा रहे हैं, मैं इसमें दिखाया हूँ कि असेंडिंग नोड जो है अभी फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज पे कोइंसाइड कर रहा है, बट अगर वेस्टवर्ड मूवमेंट होता है तो डिसेंडिंग नोड, वेस्टवर्ड मीन्स इधर की तरफ जैसे घूम रहा है, तो अब ये इसका असेंडिंग नोड इधर गया, अब डिसेंडिंग नोड आएगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज पे कट करने पर, तो फिगर ऐसा नहीं बनेगा, तो जो मून ऑर्बिट है वो नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मान ली डिसेंडिंग नोड कोइंसाइड कर जाता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज से, तो इंक्लिनेशन मून ऑर्बिट का कितना हो जाएगा, 23.5 डिग्रीज माइनस 5 डिग्री 8 मिनट्स, जो कि 18 डिग्री 22 सेकंड के बराबर होता है, सॉरी फ्रेंड्स 18 डिग्री 22 मिनट है। जैसे मैंने आपको इस फिगर में बताया, ये
अभी इसका जो है डिसेंडिंग मोड नोड जो है वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरी से कॉन्साइड करेगा, तो ऐसा फिगर बनेगा क्योंकि वेस्टवर्ड मूवमेंट इसका चल रहा है। तो अभी क्या होगा, इक्विनोक्शियल से कितना इसका इंक्लिनेशन रहेगा, 23.5 डिग्रीज माइनस 5 डिग्री 8 मिनट्स इक्वल टू हो जाता है 18 डिग्री 22 मिनट। तो फ्रेंड्स ये जो आया है 28 डिग्री 38 मिनट्स और 18 डिग्री 22 मिनट जो हमारा आया है, ये पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द मून्स मैक्सिमम डिक्लिनेशन, ठीक है फ्रेंड्स, ये मून्स का जो मैक्सिमम डिक्लिनेशन चेंज हो रहा है, एक बार 28 डिग्री 38 मिनट्स हो गया, एक बार 18 डिग्री 22 मिनट हो। फ्रेंड्स मून का जो ऑर्बिट है उसका मैक्सिमम डिक्लिनेशन जो 28 डिग्री 38 मिनट से कहाँ तक सबसे कम हो रहा है, 18 डिग्री 22 मिनट्स तक सबसे कम तक जा रहा है। तो ये जो पीरियोडिक जो इसका जो चेंज हो रहा है डिक्लिनेशन मून का, ये क्या कर रहा है, अब देखिए आपको मैंने बताया था प्रिसिजन ऑफ इक्विनॉक्स में, पहले बता सन जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगा रहा है उसकी वजह से प्रिसिजन ऑफ इक्विनॉक्स हो रहा है, बट खाली सन नहीं है, मून तो उससे भी ज़्यादा पास है, तो मून भी कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो उसकी वजह से जो है न्यूटेशन होता है। और न्यूटेशन कैसे हो रहा है वो मैं बताता हूँ अभी आपको। अब एक बार उसका डिक्लिनेशन मून का सबसे ज़्यादा 28 डिग्री 38 मिनट्स पे है, और फिर कहाँ से सबसे कम हो रहा है 18 डिग्री 22 मिनट से, तो ये जो पीरियोडिक वेरिएशन हो रहा है उससे क्या हो रहा है, चेंज इन द रेट ऑफ द प्रिसिजन, और वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया 18.6 ईयर में इसका जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है इसका पूरा साइकिल। तो फ्रेंड्स जब मून का सबसे मैक्सिमम डिक्लिनेशन है तब उसका जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन या फोर्स है वो उस समय कम रहा क्योंकि थोड़ा दूर हो गया, अब जब पास हो जाएगा तो ज़्यादा उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो जब ज़्यादा लगेगा तो प्रिसिशन उसी हिसाब से ज़्यादा होगा, और कम अगर लग रहा है जब मैक्सिमम डिक्लिनेशन पे है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम है तो कम प्रिसिशन लगेगा। तो इस वजह से जो है इसका भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से जो प्रिसिशन होता है उसको न्यूटेशन बोलते हैं। और वो फिगर कैसे बनता है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले जो सर्कल था ये अर्थ इक्लिप्टिक पोल के अराउंड पूरा गोल सर्कल बना रहा था, वो भी सिर्फ जब सन का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, बट मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो वेवी कर्व पाथ बना लेता है, एक बार मैक्सिमम डिक्लिनेशन तो एक बार मिनिमम डिक्लिनेशन, तो इसलिए वेवी कर्व पाथ बना देता है। और ये इसका एक जो पीरियड है ऑफ ईच वेव, मतलब फ्रॉम क्रेस्ट टू ट्रफ जो है एक वेव, ये 18.6 ईयर में कंप्लीट होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मून ऑर्बिट है वो भी 18.6 ईयर ले रहा है वेस्टवर्ड मूवमेंट पूरा कंप्लीट करने में, तो इसलिए जो ये एक वेव है ये 18.6 ईयर में कंप्लीट हो रहा है। तो इसी को न्यूटेशन बोलते हैं कि जो अंदर बाहर सर्कल पूरा प्रॉपर सर्कल ना बना के एक बार अंदर एक बार बाहर करके जो वेवी कर्व पाथ बनाता है उसको बोलते हैं न्यूटेशन। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स एंड न्यूटेशन के बारे में, कि पहले प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन की वजह से हो रहा है, फिर न्यूटेशन जो है मून की वजह से हो रहा है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। थैंक यू।